कई बार एक एक हजार रुपए की परेशानी हो जाती थी। बताओ बेटा बेटी गोद में आके बैठ जाए और कहे मम्मी फिराक दिला दे, तो इच्छा होती थी कि नहीं कि फिराक दिला दो? मम्मी किताब दिला दे, तो होती थी कि नहीं किताब दिला दो? लेकिन जब नहीं दिला पाती थी तो आंखों में आंसू आते थे, अम्मा रोती थी और ये कहती थी काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं मेरे बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। मेरी बहनों, तुम्हारा ये दर्द मैंने देखा था और इसलिए मुझे लगा कि शिवराज तू तो भाई है रे अपनी बहनों को। भाई भी अपने राखी पे कुछ ना कुछ तो बहनों को देते हैं, बताओ देते कि नहीं देते? तो तू भी दे। अब मैं सोचने लगा कि अपनी बहनों को क्या दूं। फिर मेरे मन में एक ही विचार आया कि रुपया भाई शिवराज कोई सामान मत दे, सीधे अपने बहनों के खाते में पैसा डाल ले तो उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी। बोलो ठीक बात है कि नहीं? और पैसा भी साल में एक बार नहीं, क्या एक बार देने से काम चलता? हमने तय किया एक बार नहीं, हर महीना बहनों के खाते में पैसा डालूंगा और लाडली बहना योजना बन गई। अब बताओ मेरी बहनों कैसी है लाडली बहना योजना? जरा जोर से बोल के बताओ, जिंदगी में खुशी आई है कि नहीं? कई बहनें मिली बोले हमको आजकल सिलाई मशीन ले लिए भैया, पैसे से और सिलाई मशीन चला रहे। कई बहनों ने काम छेदा लगा के फल और सब्जी बेच रहे। कई बहनों ने मुझे यहाँ कि आजकल तो घर में इज्जत बहुत बढ़ गई है, सास भी प्रेम से बोलती है बहू अच्छी तो हो, रोटी में घी चुपड़ लो तुम भी। और किसी ने कहा कि आजकल तो पति देव बड़े प्रेम से बोलते हैं, पहले डांटते फाटते रहते थे, आजकल कहते पप्पू की मम्मी क्या हाल है, पैसा आए कि नहीं आए? आप बताओ मेरे बहनों भाई, कड़वी सच्चाई है, पैसा इज्जत बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? पैसा सम्मान बढ़ाता है, पैसा आत्मविश्वास बढ़ाता है। और इसलिए मेरी बहनों, मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने आपका सम्मान आपको लौटाया है, आपका सम्मान आपको लौटाया है। बताओ अभी बीच में नहीं भाई, पहले बोलने तो बाद में जाती हूँ। बताओ कांग्रेस ने कभी एक ढेला दिया था क्या? और बहनों जो रह गई हो, नागेंद्र सिंह जी आपने मुझे बताया था कई बहनें रह गई अभी, तो अभी जैसे ही पोर्टल सरकार बनेगी, पोर्टल खोल के जो बहनें रह गई है उनके नाम भी जोड़ दूंगा, चिंता मत कर। और 21 साल विवाहित बेटियों के लिए योजना थी, तो कई बेटी मेरे पास आई और लड़ने लगी माया जी, मुझे कहने लगी कि मामा हमें पढ़ना है, हमें नहीं करना 21 साल की शादी, तो हमें पैसा क्यों नहीं दे रहे? तो सुनो मेरी बेटियों, 21 साल से ज्यादा उम्र की सब बेटियों को लाडली बहना का पैसा दिया जाएगा, उनको भी योजना में शामिल किया जाएगा। और अभी तो 1250 मिल रहे हैं, यहीं तक थोड़ी रहने दूंगा, पैसे की जुगाड़ में लगा हूं, पैसा बहुत सारा लगता है ना, क्योंकि मैंने बहुत 1,32,00,000 तो हो गई मेरी बहन। बताओ दुनिया में कोई ऐसा भाई है जिसकी 1,32,00,000 बहने हो? मैं बहुत भाग्यशाली भाई हूँ मेरी बहनों, मेरा तो जीवन धन्य हो गया तुम्हारे चेहरे पे खुशी देख के। पैसे का इंतजाम होते ही एक के बाद एक धीरे धीरे 1,250 से 1,500, फिर 1,750, फिर 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500 और फिर बढ़ा के 2,750 और फिर कितने करूंगा? जोर से बोलो, पूरी दुनिया सुन ले, 3,000 करूंगा, तब मुझे चैन की नींद आएगी कि बहनों की जिंदगी मैंने बदल दी और मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। मेरी बहनों एक बात और सुन लेना, आज ही अब मेरा संकल्प है कि मेरी हर बहन को मैं लखपति दीदी बनाऊंगा, मतलब साल में 1,00,000 रुपया से ज्यादा उनकी कमाई हो जाए। और स्व सहायता समूह के माध्यम से करूंगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 15,00,000 बहनों की आय हो गई 1,00,000 से ज्यादा। बोलो सब लखपति दीदी बनना चाहोगी?
ये भाई तुम्हें वचन देता है, आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, हाथ नहीं फैलाने दूंगा, बेबस जिंदगी नहीं जीने दूंगा, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना के दिखाऊंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बेहतर बना के दिखाऊंगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मेरे किसान भाइयों, नागेंद्र सिंह जी भी कह रहे थे, आप बताओ कांग्रेस ने कभी सिंचाई का पानी दिया क्या? कांग्रेस ने पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी रे? नागेंद्र सिंह जी, जितने गांव बचे हैं आज मैं वचन दे रहा हूं, इम्पॉसिबल शब्द मेरे शब्द कोश में नहीं है, हर गांव में सिंचाई का पानी लेके आएंगे, पाइपों में भरेंगे, मोटर चलाएंगे और खेत में आउटलाइट दे देंगे, नहर से नहीं जाएगा तो क्या हुआ? तो सिंचाई की व्यवस्था, और 1000 रुपया तो अपन को ही मिल रहे भैया महीना। 6 CM PM साहब के, 6 CM के, और देखो मैं अब ये सोच रहा हूं कि इधर उधर की सब्सिडी समाप्त करके किसानों के खाते में और बढ़ा के पैसा डाल देना चाहिए, तो अपने आप किसान बाकी काम कर देगा। इसके बोलो ठीक है कि नहीं? उसकी योजना पर भी हम काम कर रहे हैं, किसानों के कल्याण की कई योजनाएं हैं, लेकिन मैं समय की कमी के कारण नहीं बता रहा। मेरे भाइयों और बहनों, 3-4 चीजें और मैं केवल कहूंगा। एक, मेरे भांजे भांजियों के लिए, ये बच्चे छोटे छोटे, हम ऐसे बच्चे खड़े मामा को सुन रहे हैं, इनको राजनीति से क्या लेना देना, इनको वोट से कोई मतलब नहीं है, इनके लिए तो अच्छा ये भी नहीं जानते मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, ये तो ये जानते, ये तो हमारा मामा है, मामा आया तो चलो। आजकल मैं जहाँ जाता हूँ बच्चे थोड़ी मस्ती भी करते हैं, कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। लेकिन एक संकल्प पैदा होता है कि इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे, और इसलिए सीएम राज स्कूल बना रहे हैं। अपना सीएम राज का बन रहा है यहीं पे रायपुर गंडन। नागेंद्र सिंह जी, मेरा संकल्प है हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राज स्कूल खोलूंगा। बड़े लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे बेहतर स्कूल बना के दूंगा, ताकि धन्नू कल्ला पन्ना पन्ना के बेटा बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। बेटा बेटों को किताबें, साइकिल, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप, 12वीं में टॉप करे स्कूल में तो मामा स्कूटी भी दिलवा रहा है। और एक बात और सुन लेना, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेरे बच्चों तुम्हारी जाति कोई भी हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं सब बच्चों का मामा हूँ, इसलिए किसी जाति समाज के हो, अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, उच्च शिक्षण संस्थान में होगा, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। और एक बात और, इससे आगे जो मेरा विजन है अगले 5 साल के लिए, प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार को एक रोजगार देंगे, इसका विजन मैं तैयार कर रहा हूँ। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप कहिए एक रोजगार, प्रत्येक परिवार। अब इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई बेरोजगारी की तंग से पीड़ित रह के अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर ले। कई तरह के काम एक के बाद एक हम लगातार करते चले आ रहे हैं। तीर्थ यात्रा जैसी चीजें कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब फिर से सारी योजनाएं चालू। मैं आ रहा था तब किसी ने बिजली के बिल की बात कही, अब चिंता मत करना, मैं समीक्षा करूंगा और बढ़े हुए बिजली के बिल मामा भरवाएगा, चिंता मत करना, इस चिंता से भी तुम्हें मुक्त करूंगा। जो जो तकलीफ जनता की जिंदगी में है वो दूर करने की जवाबदारी मामा की है। मैं आज आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, हमने क्या नहीं किया, मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई गलत नजर उठाता है, हमने सीधे तय किया कैसे उसको सीधे फांसी के फंदे में लटका दिया जाए। और अंत में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल हमारी सरकार है, लेकिन गुंडागर्दी करने वाले, दादागिरी करने वाले, उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर है सरकार। नागेंद्र सिंह जी, गुंडागर्दी करने वालों के लिए
अपना बुलडोजर भी तैयार रहेगा, चिंता दादागिरी गुंडागर्दी सहन नहीं होगी। आप सबको मैं निवेदन करने आया हूँ, बताओ मेरे बहनों और भाइयों, मैंने कैसी सरकार चलाई, अच्छी चलाई कि बुरी चलाई? तो हमारी सरकार फिर बननी चाहिए कि नहीं बनेगी? तब जब नागेंद्र सिंह फिर से विधायक बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तब हमारी सरकार बनेगी। और अब तो सोने में सुहागा हो गया है, नागेंद्र जी तो है ही, सिद्धार्थ राज और चले आए, बड़ी देर भले नजर आया। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और गुड़ से हम शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। लाडली बहनाओं ये ध्यान रखना, कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहने रहेगी, तुम्हारा भाई है तो ही लाडली बहना योजना रहेगी। इसलिए आओ सब संकल्प करें कि हम सब चुनाव में काम करेंगे, ये चुनाव जनता लड़ेगी और हम लड़के जीतेंगे और फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। बोले सब तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे? नागेंद्र सिंह जी को आशीर्वाद देंगे? मोदी जी का साथ देंगे? और मामा को भी आशीर्वाद देंगे? तो दे दो ना दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद। आइए मेरे साथ संकल्प कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हम जिताएंगे, खुद भी वोट देंगे, बाकी से भी दिलवाएंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधे दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय।